हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल लीवल का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 3 का। और गाइस आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 3 का जो पिछला एपिसोड था, उस एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने इस वाले रेक्स को यहाँ पे टेम करा था, जिसके पास भाई एकदम खतरनाक सी बिजली की शक्तियाँ हैं। इसको टेम करने के पीछे का मकसद ये था कि हम लोग यहाँ पे जो है ना गाइज भाई जाके बॉस फाइट ये वाले आज के एपिसोड में ले सके। हमारा कैसल देखना दूर से दिखाई दे रहा है यार, चलो अपने घर पे चलते हैं हम लोग चुपचाप भाई, ठीक है। सो आज का जो हमारा ये वाला एपिसोड है ना, इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइज क्या करने वाले बताए, हम लोग आज के इस एपिसोड में लेने वाले खतरनाक सी बॉस फाइट। लेकिन बॉस फाइट लेने से पहले कुछ मेरे को चीज़ें और करनी है, वो चीज़ें कौन सी है गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग की तैयारी के चैनल का और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स को ऑप्शन जो है ना गाइस वो लागे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे आर्क पीसी आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो का लिंक है। निट्राडो पे गाइस आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अभी गाइस बॉस फाइट के लिए मैं ये 100 लेवल का जो ये रेक्स है इसको लेके जाने वाला हूँ। बट गाइज इसको मैं ऐसे अगर लेके चला गया ना, बॉस स्केल लगभग यार 10 या 20 मिलियन है, इसके खेलते 1 मिलियन। अगर मैं ऐसे इसको लेके चला गया तो इसके मरने के काफ़ी हाई चांसेस है, तो पहले मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और बात गाइज, हमारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, वीडियोस के साइड में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी सीरीज के एपिसोड लाइन से उस एक प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो रहा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बताएं, सारा सामान ले लेता है क्या, फीडर लगाया नहीं था मुझे। मैं यहाँ पे पहले मिट डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मिट डालूंगा मैं इसके अंदर। मैं थोड़ी सी बेरीज भी डाल देता हूँ यहाँ पे फीडर से, कैसे कैसे हमारे डायनो जो है ना गाइस वो फीड होते रहेंगे, ठीक है। ये लो गाइस थोड़ी सी बेरीज भी डाल देता हूँ फटाफट से, ठीक है। एक बार फीडर लगा दिया तो जो भी डायनोज मैं टेम करूंगा उनके खाने पीने का झंझट जो है ना गाइस वो खत्म हो जाएगा। कोई बेचारा जो है ना गाइस डायनो हमारा भूख के रीजन से मरेगा नहीं, ठीक है। चलो अभी फटाफट से एफएम के वाला बेंच मैंने बनाया था, वो लगाया नहीं क्या हम लोग ने, लगा डालो भाई। इसको कहाँ लगाऊंगा, इधर लगाते हैं, ठीक है। अभी मुझे रेक्स का जो सैडल है उसको बना लेना है गाइस असेंडेड वाला, ठीक है। रुको मैं अपने रेक्स के सैडल को असेंडेड बनाने का काम जो है गाइस वो चालू कर देता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे सीमेंटिंग पेस्ट भर भर के बनाने के लिए डाल दूंगा मैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा केरेटिन वगैरह पड़ा हुआ है, और पड़ा है क्या, नहीं और तो ऑयल और लीज ब्लड वगैरह कुछ है, ठीक है। चलो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे रेक्स का जो सैडल है ना उसको असेंडेड बना डालते हैं, ठीक है। लीज ब्लड यहाँ पे डाल दें एंड जो खाने पीने का सामान है वो इधर डाल दें भाई, ठीक है। चलो रेक्स का सैडल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आज तो बॉस फाइट हो के रहेगी, बॉस फाइट क्यों ले रहे पता है कैसे हम लोग, ताकि हम लोग को यहाँ पे गोल्डन केबल मिल सके। अगर हम लोग गोल्डन केबल बनाने के लिए जाएँ, नहीं बना सकते ना, ना गोल्डन केबल बना नहीं सकते, गोल्डन केबल ओनली बॉस को मार के हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। कौन से बॉस को मैं बता देता हूँ, रुको आपको अभी मैं बता नहीं देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ डायरेक्टली उसे बॉस फाइट ही करके। रेक्स का सैडल पहले मुझे असेंडेड बनाने दो, क्योंकि इसी रेक्स से भाई एपिसोड नंबर 5 या 6 पे मैं बॉस फाइट करने के लिए जाने वाला हूँ। मजाक हो रहा है क्या गाइज, ये ले चलो, ठीक है। यहाँ पर रेक्स का असेंडेड वाला सैडल बन रहा है, ये हाइड वगैरह इधर डाल देना ब्रो। ये क्यों रखा है मैंने इधर, हीलिंग पोशन बना ले भाई, मुझे पता नहीं गाइस बॉस फाइट कितनी खतरनाक होगी। 500 हीलिंग पोशन इनफ हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो मुझे पता नहीं कितनी खतरनाक वाली बॉस फाइट होगी। 352 199 वाला आर्मर ओनली, वाई ब्रो बूस्ट कितना है, 30% फेक डाल भाई, 30% बूस्ट क्यों ओनली भाई, वेल इतना कम बूस्ट कैसे मिला मेरे को। रुको
भाई 300 प्लस वाला आर्मर चाहिए मुझे, मैक्स वाला आर्मर ले बिना मैं जाऊंगा नहीं गाइस यहाँ पे। भले मुझे 4 से 5 बार यहाँ पे आर्मर क्यों ना बनाना पड़े, ठीक है रुक जाओ गाइस। भाई आज कुछ तूफानी करते हैं, कितना 352 मैक्स वाला आर्मर मिल गया इसको भाई, 500% बूस्ट मिला है, ठीक है चलो। मेटल इनगट अगर थोड़े से मिल रहे तो ले लो, मेटल इनगट थोड़े से दे दो मेरे को जी। अपग्रेड स्टेशन में बड़े ना, हाँ अबे मेटल इनगट नहीं सॉरी नॉर्मल रॉ मेटल। अगर इनकेस बॉस फाइट के बीच में मुझे हीलिंग पोशन बनाने पड़े तो 10,000, अबे 5,000 ही दे दो यार, 10,000 नहीं चाहिए, ठीक है चलो डन। 5,000 मीटर अपने पास आ चुके हैं, मैंने ट्रैकर रेक्स के अंदर डाल दिया है, अभी रेक्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ये सैडल असेंडेड वाला, मैक्स आर्मर प्रोटेक्शन वाला सैडल, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे बॉस को ढूंढने के लिए, मुझे पता है बॉस कहाँ पे है, मैंने बॉस को देखा था वॉल्केनो बैम पे, जहाँ पे चारचा नहीं मिलता, फ्रोजन टूथ जाना है गाइस हम लोग को, फ्रोजन टूथ पे हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे बॉस इजीली मिल जाएगा, ठीक है चलो फटाफट से गाइस फ्रोजन टूथ पे चलते हैं। अभी मैंने यहाँ या यहाँ पे शायद से बॉस देखा था गाइस फ्रोजन टूथ पे, ठीक है भाई वहाँ पे नीचे तो भाई एकदम फुल तबाही चल रही है भाई, वेलोनोसॉरस सबको गोली मार मार के उड़ा रहा है, ठीक है रुको मैं स्पाइकला चालू कर देता हूँ। यहाँ पे रेक्स बॉस शायद से मुझे मिल सकता है, अगर मैं गलत नहीं हो तो शायद से मुझे रेक्स बॉक्स यहाँ पे ऊपर मिल जाए। यहाँ पे एक वेल तो दिख रही है एस्ट्रो वेल, जिसको शायद से हम लोग टेप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए भाई हम लोग को वो कैनन मारनी पड़ती थोपड़ी पे। ये कौन सा रेक्स है, कॉन्फिगरेंट रेक्स सेम है भाई लेकिन इसका कलर थोड़ा सा अलग है, वो शायद से इसका नाम भी अलग है, ठीक है रुको रेक्स यहीं पे होगा भाई देखना। कब बताओ मैंने टॉप की तरफ जाते हुए देखा था उसको कहीं पे शायद से। वाओ ये कौन सा गोले में भाई, रॉक एलिमेंटल, कलर काफ़ी अच्छा है इसका, वैसे कलर काफ़ी बढ़िया है भाई। कहाँ पे चला गया गाइज भाई, मेरे को वो बॉस दिख ही नहीं रहा, ये अंडा मैग्मासोर कहाँ है भाई, मैग्मासोर का भाई अंडे वाला नेस्ट है जिससे मैंने भाई शायद से 3-4 एपिसोड पहले अंडा उठाया था, मतलब यहीं पे रेक्स होने चाहिए, मैंने देखे तो थे। डिस्पॉन भी हो जाते क्या ये रेक्स, लावा रेक्स वो रहा क्या, वो नॉर्मल रेक्स है, ये लावा रेक्स है, उसके खोपड़ी पे ना ऐसा कुछ तो एक सिंबल बना हुआ होगा, सिंबल बना हुआ होना चाहिए। ज़ोंबी रेक्स वो कर लेगा टेम, कर लूँगा रुको, पहले अभी बॉस फाइट करने दो मुझे फिर देखता हूँ ज़ोंबी रेक्स को। अबे वो रेक्स बॉस वाला कहाँ गया, लावा रेक्स दिख रहा है मुझे, मेरे पास ट्रैकिंग वाला मॉड है क्या इसमें, रुको थोड़ा सेफ चल, ट्रैकिंग वाला नहीं यार, ट्रैकिंग वाला मॉड नहीं है, मैं ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, ट्रांसमीटर बनाना पड़ेगा मुझे इसमें। रुको भाई बॉस 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 वेयर आर यू बॉस, थक गया भाई अब तो आ जा सामने यार, भाई थक गया भाई ढूंढ ढूंढ के इस बॉस को, बॉस तो दिखने में खतरनाक ही था। गाइज एक मिनट रुक जाओ, मैं ना उस रेक्स को ढूंढ लेता हूँ पहले, ठीक है कहाँ पे, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ, मुझे पता नहीं अभी रेक्स मुझे मिलेगा कहाँ पे, लेकिन यहीं पे कहीं पे मिलेगा भाई, रुको मैं ढूंढता हूँ गाइज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये रहा गाइज, ये रहा एंशिएंट रेक्स 25 लेवल, यही है गाइज, यही है भाई, आप भी देखना इसकी बैंड कैसे बजाता हूँ मैं। एक ट्रैकर यहाँ से मैं भाई ट्रैकर नहीं सॉरी एक टेलीपोर्टर घर पे भेज देता हूँ, अगर कुछ लफड़ी हुई तो वापस से यहीं पे आने के लिए, ठीक है रेडी हो। हेल्थ कितनी है वैसे उसकी, ये 75 लेवल का ही है तो इसकी हेल्थ मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा होगी। हाँ भाई चल रहे निकल ले ब्रो, यहाँ पे अंडा है मैग्मासोर का 300 लेवल का अंडा, उठा लेता हूँ चलो, इसका यूज़ क्या होगा पता नहीं बट उठा लेता होगा इस, ठीक है चल आ जाओ आ जाओ। हल्लो मैग्मासोर कैसे गुस्से में देख रहा है बाबा, ये रहा रेक्स भाई, ये रहा बॉस रेक्स, इसी की बैंड बजाने। हाँ भाई ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, अबे तो नुबड़ा रेक्स है ये है भाई, मैंने अपने भाई रेक्स को 600 का डैमेज दे रहा है, बताओ यार मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, सच में भाई मैं बिजलिया बिजलिया छोड़ रहा हूँ इसके अंदर, मरा मरा भाई मेरे को, हाँ किबल दे दिए दो
ठीक है, मरा भाई है, क्या फालतू करिए कैसे आ तू भाई। भाई किबल मिल गए ठीक है भाई, लेकिन मैं भाई एकदम तगड़ी वाली बॉस फाइट की उम्मीद कर रहा था, वैसे किबल देने वाला बॉस था गाइस। म्यूजिक बज रही है, बॉस नहीं है ना तू, चल बग बेच कर अबे। इतने बिजली के झटके दूंगा ना, इतने झटके दूंगा इतने कभी सोची ना होगी। दूर रहे ना बेच कर मेरे से, मेरे को एक और बॉस चाहिए भाई, मेरे को एक और बॉस को मारना है। एंशिएंट रेक्स होता है उसका नाम, तीन की बल। अच्छा तीन की बल मिले, एक मेरे को और एक भाई दो अपने डायनो को मिले, ठीक है। मैंने ये वाला एरिया नहीं देखा, रुको मैं इस वाले एरिया में देखता हूँ। ये रायनो कूल लग रहा है, ग्लाशियल वूली रायनो, बाढ़ में जाए। अभी तो मुझे किबल चाहिए भाई। यार ये कौन है, मुगरी, ये मुगरी कुछ देगी क्या? कुछ भी नहीं दिया, मुझे लगा कुछ देगी भाई। एक बॉस मुर्गी भी होती है यहाँ पे, बॉस मुर्गी भी होती है, बट ये क्या है भाई। चलो मेरे हिसाब से तीन की बल से मैं तीन ही डायनो को डेम कर सकता हूँ खाली। हाँ मुझे एक ग्रिफिन तो मिल जाएगा अभी, बट मुझे और की बल चाहिए थे इसलिए मैं और बॉस को ढूंढ रहा हूँ। मैं एंशिएंट बॉस जाके घर पे देखता हूँ मैं खुद क्राफ्ट कर सकता हूँ क्या। अगर क्राफ्ट कर सकते ना उनको क्राफ्ट करके पे लेंगे, ठीक है गाइज भाई, बना बना के धोएंगे गाइज उनको, और एंशिएंट की बल जो ना गाइज वो हासिल करेंगे। रुको मेरे को पहले देखने दो कि हम लोग एंशिएंट वाले बॉसेस को क्राफ्ट कर सकते कि नहीं। भाई रेक्स को तो इसी ही दो डाला मैंने, एंशिएंट नहीं भाई, नहीं कर सकते कुछ भी क्राफ्ट भाई, ठीक है नहीं कर सकते। सुपर ट्रैंक भी है भाई, मैगजीन, नाइस वन, ये किसी गन बिन में लगेगी। अब एक काम करो, मैग्मा जोर का अंडा यहाँ पे रखो, वो मैंने ग्रिफिन देखा था ऊपर, मुझे उसको जाके अभी नॉकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके लिए तू इधर रह ले भाई, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अकेले अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, ठीक है गाइस, मेरे को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। उस ग्रिफिन को यहाँ कहीं पे देखा था मैंने, यही कहीं पे देखा था उसको। भाग गया क्या वो? रुको मैं आज भाई ग्रिफिन टेम करके रहूँगा मेरे लिए, एक मुझे एक ग्रिफिन तो चाहिए भाई। मैंने बहुत सारे ग्रिफिन यहाँ पे देखे थे, कहाँ है ये, क्या ग्लिच हो रहा है बे? अर्जी है क्या? वही कलर अच्छा है, प्राइमल अर्जी है क्या? ये ग्रिफिन नहीं मिल रहा है मेरे पास, है ना गाइस बहुत सारे वो पड़े हुए हैं। रुको रुको गाइस, बहुत सारे पड़े हुए अपने पास भाई, अंधा हो चुका हूँ मैं, अंधा भाई, बहुत सारे भाई अपने पास किबल पड़े हुए हैं। हाउल तेरी बेस क्या थी भाई, तुम क्यों आ रहे, तुमको बुलाया मैंने, तुमको बुलाया भेज के आग कि मैं मारने आ जाते भाई, लग क्यों नहीं रहा? ओए उसको लग नहीं रहा, वो तेल भाई इसको लग क्यों नहीं रहा गाइस? लगा भाई लगाओ, और वो अटक भी गया वापस, स्टंट भी हो गया भाई, व्हाट द हेल। कोई अटैक नहीं करना रे, कोई हमला नहीं करना, कोई हमला नहीं करता गाइस। एक कूल लुकिंग आ, एकदम कूल लुकिंग खतरनाक सा अर्जेंट भी अपने पास आ चुका है। मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है रुको रुको मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, एकदम खतरनाक वाला। अरे एक सुस पेंगुइन को मार रहा बेचारे से, हो नहीं रहा, हम मेरे को मारेगा, ले 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 मेरे को मारेगा। चल बेटा कल 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 मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। रुको गाइस मैं अर्जेंटिविस का सैडल बना के ना आपको एकदम कूल सा दिखने वाला अर्जेंटिविस दिखा देता, एकदम खतरनाक वाला। अरे जेना अर्जेंटिविस का सैडल इन्वेंट्री में बनता है ना, यस लेट्स गो गाइस। इरका भाई इसका लुक देख के आप लोग दीवाने हो जाओगे गाइस इस अर्जेंटिविस के लुक के। हाँ मुझे पता है मुझे गाइस यहाँ पे ग्रिफिन नहीं मिला, बट ये खतरनाक सा कूल सा दिखने वाला अर्जेंटिविस जरूर मिला है, ठीक है। अबे ओके ये वाला सैडल नहीं चाहिए, रुकना भाई रुक जा वहीं पे रुक जा, ये वाला सैडल नहीं चलेगा बोल रहे हैं, मुझे और कोई सैडल चाहिए होगा। मेरे पास दो कीबल बचे हैं, मुझे वेस्ट नहीं करने अभी वो कीबल,
उसमें से एक की बल से मुझे ग्रिफिन को डेम करना है। प्राइमल अर्जेंट इसका सैडल ना भाई, इसके लिए हाइड वगैरह मेरे पास पड़ा हुआ था प्राइमल वाला, मेरे पास और काफ़ी सारा प्राइमल हाइड पड़ा है, ये देखो 7 लगभग 10,000 और पड़ा हुआ है भाई, ठीक है 10,000 और पड़ा हुआ है। चल आ जाओ अभी गाइस मैं आपको प्राइमल वाला अर्जेंट विस दिखाता हूँ। इसके अंदर से देखना किस तरीके से कुछ ऐसे लाइट्स निकल रही है, देखना रे निकल रही है, 600 लेवल का ये लग गया साइड और हाँ मेरे 50 तोला गाइस क्या है, लाइट्स गई देखो। गले में क्या है भाई, गले में क्या है भाई, पगलाइब, ओके थगलाइब सुना था, पगलाइब क्या है भाई, ठीक है देखो। अरे 50 तोला भाई, ये कैरी मिनाटी की नई वीडियो मुझे याद आ गई भाई, ठीक है भाई सोना ही सोना गाइज, ये देखो जग सोना सोना लगे रे गाइज, ये देखो भाई इसने भाई सोने की गोल्डन यहाँ पे ग्लासेस पहन रखे हैं, 50 तोला जो ना गाइज जिसने गले में पहन रखा भाई, ठीक है एकदम फुल टू खतरनाक और कूल लग रहा है गाइज। कैसे लगा बताना गाइज, ये अर्जेंट विस का लुक कैसे लगा बस इतना बताना। इसके ऊपर मैं वेपन्स नहीं चला सकता पता है मुझे, ठीक है चलो। और डैमेज कितना जाएगा इसका पता नहीं, ट्राई करते देखते चलो कि हमारे अर्जेंट विस का डैमेज कितना जा रहा है। और अगर मुझे रास्ते में ग्रिफिन मिला ना तो उसकी लोकेशन मार्क करके रखेंगे ताकि अगले एपिसोड में हम लोग उसको टेम कर सकें। इसका डैमेज मतलब ठीक ठाक ही है, इसके डैमेज की बात करें तो यहाँ पे इसका डैमेज रेक से थोड़ा सा कम जा रहा है अभी के लिए, मैंने अभी तक इसको ना लेवल अप नहीं करा है, रुको लेवल अप करने दो, लेवल अप के बाद शायद रेक से ज़्यादा डैमेज चला जाए इसका। इसके हेल्थ में थोड़े पॉइंट डाल देता हूँ ताकि एक आध मिलियन जो ना कि जो हमारे इस अर्जेंट विज की हेल्थ हो सके, ठीक है। ये कोई स्पेशल अटैक है तेरे पास, प्राइमल है ना ब्रो तू, ए वो ग्रिफिन है ना, कितना लेवल है किसी को ढूंढ रहा, अरे 300 लेवल नहीं डे पीटी है वो, पीटी है पीटी 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 की लेवल देख ली, 400 लेवल नहीं भाई 700 लेवल कम से कम चाहिए मुझे ग्रिफिन भाई, 700 लेवल का ग्रिफिन मिलेगा 600 लेवल का मिलेगा तब जाके मैं टेम करूँगा भाई, 400 लेवल का टेम नहीं करना है मुझे। चलो आ जाओ भाई, अभी तो मैं ये अर्जेंट टीवी से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, फुल 50 तो लगा आईज भाई, खतरनाक लग रहा है यार, खतरनाक लग रहा है भाई, ठीक है 30,000। इसके पास अगर गाइज कोई स्पेशल अटैक होता ना तो और मज़ा आ जाता, बट अफसोस कि इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। और इसका जो डैमेज है ना, मैंने ये देखा है कि इसका डैमेज भी यहाँ पे जो अपना रेक से उससे काफ़ी कम है, पता नहीं कैसे बट काफ़ी कम है भाई, इसका रेक से ज़्यादा डैमेज होना चाहिए क्योंकि अबे वो टर्टल्स का क्या चल रहा है उधर भाई, चढ़े पड़े हेलो क्या चल रहा है, अच्छा मर गया वो बेचारा भाई, मर गया वहाँ पे बेचारा वो टर्टल, रुको भाई चढ़े पड़े थे भाई एकदम, क्या ही बोले ये मैक्स लेवल, मैंने इसको कर दिया है, रुको हाँ इसको इम्प्रिंट भी कर देता हूँ, ओके अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे अर्जेंट टेविस का जल, ओह ये देखो अच्छा सुना बोले, मुझे लगा भाई खतरनाक सा कूल लुकिंग अर्जेंट टेविस एक और, इसका 1.1 मिलियन तो गाइस जल्द मैंने इसका कर दिया है, बट गाइस इसका यहाँ पे जो डैमेज है वो काफ़ी कम जा रहा है, और ये प्राइमल होने के बावजूद इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है, क्या फायदा बताओ, 89,000 का डैमेज जा रहा है, रेक्स का इससे ज़्यादा डैमेज जा रहा है, वो प्राइमल हाइड मिल रहा है मुझे, प्राइमल हाइड मिल गया, ये हाइड की ज़रूरत पड़ती रहती है तो हमेशा उठा के रख लेने का, ठीक है चलो आ जाओ। मुझे ये अर्जेंट भी ना उतना कुछ खास लगा नहीं गाइस, ठीक है तो मतलब क्या करे बताऊँ, बस चश्मा पहना दिया और हो गया प्राइमल अर्जेंट है इसका, अगर एक हाथ स्पेशल अटैक डाल देते तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है दिखने में काफ़ी कूल है, उठा सकता हूँ, अबे यार इसको उठा लिया मैंने इतने बड़े डायनो को, चल तेज किया इसको 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 उठा लेगा, हाँ भाई नहीं 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 इसको नहीं उठा सकता, वो 1,16,000 डैमेज दे रहा होगा इसमें, रेक्स के जितना डैमेज दे रहा हो, 1,20,000 रेक्स से ज़्यादा है ना ये डैमेज, हाँ शायद से रिक्स से ज़्यादा डैमेज दे रहा होगा इसमें, ओह माय गॉड, एक काम कर ले मेगलाडॉन को भाई, उसे उठा के लेके चला जाओ क्या, शायद से नहीं उठा सकता पानी में से मेगलाडॉन को, इसको उठा, इसको भी नहीं उठा सकता क्यों, उठा नहीं उठा सकता यार, इसको भी नहीं उठा सकता, चलो कोई ना गाइस कोई ना, अर्जेंट विज बस दिखने में काफ़ी कूल है, अटैक्स डैमेज भी ठीक ठाक है, बट प्राइमल होने के बावजूद प्राइमल जो है ना वो अपन ने रेक्स टेम करा था उससे ऊपर के टायर के डायनोज होते हैं, सो प्राइमल होने के बावजूद इसका जो डैमेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है भाई, ये कौन सा वर्ल्ड है,
ये मैंने पहले कभी देखा नहीं था गाइस। ये वाला देखा है आप लोगों ने वर्ल्ड? यहाँ पे आया नहीं तो को देखने तो जरा। ओ ये मशरूम एबरेशन वर्ल्ड है, मशरूम बाय एबरेशन वर्ल्ड वाली, ठीक है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड जो भाई अपने चैनल पे चल रही है ना सीरीज एबरेशन वाली, उसी का मशरूम बायम है, एबरेशन वाला देख सकते हो आप लोग भाई। ये वो उसका मशरूम बायम है, खतरनाक सा, काफ़ी कूल लग रहा है वैसे, काफ़ी कूल कूल तो लग रहा है। इसके बेटी बना दूंगा सबकी, सबकी बेटी बना दूंगा, इधर आ, सबकी बेटी बना दूंगा, ये ले बेटा, सबको खा जाऊंगा गाइस यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस। मुझे ना इस मॉड में पावरफुल डायनो पकड़ने पड़ेंगे, मैं बोर हो चुका हूँ गाइस। ये भाई अर्जेंट यूज मुझे लगा था खतरनाक होगा, बड़े नल्ला निकला गाइस। हाँ एक और भाई मैं ग्रिफिन पकड़ूंगा, और मुझे लग रहा है ग्रिफिन के पास भी कोई पावर भाई होगी नहीं खतरनाक वाली, बट उसके बाद ना हम लोग एकदम खतरनाक और डेंजरस पावर वाले डायनोस को पकड़ना चालू कर देंगे। एक ग्रिफिन खाली मेरे को चाहिए ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से भाई उड़ उड़ के जा सकूं। बाकी ये अर्जेंटिविस मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, लुक एक नंबर है भाई, लुक में 10 out of 10 दूंगा मैं इसको। बाकी आप बताना आपको अर्जेंटिविस कैसे लगा, और गाइस अगर ये अपना अर्जेंटिविस और आज की जो बॉस फाइट, जो कि बॉस फाइट भी थी नहीं भाई, 10 सेकंड में खत्म हो गई वो, अगर आपको पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी के लिए ये वाला एपिसोड आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 3 का ये पे खत्म हो जाता है। मिलते सीधा गाइस आपसे अगले एपिसोड में ड्रैगन हंटर सीजन 3 के, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। अबे नीचे गिर गया, अबे बचा ले, अरे भाई जी मार दे, अरे बचा लिया भाई, बचा लिया भाई, सबकी बेटी बना डाली गाइस। चलो तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, बाय बाय गाइस।